हेलो दोस्तों, अब RSCIT एग्ज़ाम में पास होना और भी हो गया है आसान, क्योंकि हम आपके लिए लाए RSCIT मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इनको ज़रूर पढ़े, क्योंकि ये RSCIT एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो इनको एक बार पढ़ ले ताकि आप RSCIT में आसानी से पास हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, आधार एनरोलमेंट संख्या और अन्य विवरण के साथ एक स्लिप की प्रिंट दी जाती है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आधार एनरोलमेंट में संख्या और अन्य विवरण के साथ जो स्लिप दी जाती है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए एक्नॉलेजमेंट, ऑप्शन बी एक ना, ऑप्शन सी एक नोमेंट, ऑप्शन डी डिटेल्स। इसका सही उत्तर ऑप्शन है एक्नॉलेजमेंट। उस स्लिप को एक्नॉलेजमेंट कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। पैन का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑप्शन ए NSDL, ऑप्शन बी UIDAI, ऑप्शन सी AEC, ऑप्शन डी EAC। इसका सही उत्तर ऑप्शन है NSDL, क्योंकि हम NSDL के द्वारा पैन कार्ड का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए NSDL। आधार अपडेशन की सुविधा है, ऑप्शन ए ऑनलाइन, ऑप्शन बी ऑफलाइन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, क्योंकि आधार अपडेट करना अर्थात अपडेशन की सुविधा ऑनलाइन भी होती है और ऑफलाइन भी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। पैन का पूरा नाम है, ऑप्शन ए परमानेंट अकाउंट नंबर, ऑप्शन बी प्राइमरी अकाउंट नंबर, ऑप्शन सी प्योरिटी अकाउंट नंबर, ऑप्शन डी पावर अकाउंट नंबर। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसे हम शॉर्ट में पैन के नाम से जानते हैं। आधार में लॉगिन करते समय किसकी ज़रूरत होती है, ऑप्शन ए OTP, ऑप्शन बी बैंक खाता नंबर, ऑप्शन सी वोटर ID, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन है OTP। आधार में लॉगिन करते समय हमें OTP की ज़रूरत होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है OTP। नया पैन कार्ड बनाने के लिए आप भुगतान कर सकते हैं, ऑप्शन है डेबिट कार्ड, ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन सी इंटरनेट बैंकिंग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नया पैन कार्ड बनाने के लिए हम भुगतान डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बैंक खाते के साथ आधार लिंक कर सकते हैं, ऑप्शन ए ऑनलाइन, ऑप्शन बी बैंक में जाकर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। बैंक खाते के साथ आधार लिंक हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं और बैंक में जाकर भी कर सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इनकम टैक्स रिटर्न ITR ऑनलाइन भरने के लिए पूर्व आवश्यक है, अर्थात ITR भरने के लिए हमें पूर्व में क्या क्या आवश्यक होता है। तो ऑप्शन ए बैंक विवरण, ऑप्शन बी फॉर्म 16, ऑप्शन सी पिछले साल के रिटर्न की प्रतिलिपि, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। हमें ITR भरने से पहले बैंक विवरण, फॉर्म 16 और पिछले साल के रिटर्न की प्रतिलिपि चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। अनेक प्रकार की वित्तीय समावेशन योजना में उपयोग होता है, ऑप्शन ए वोटर ID, ऑप्शन बी ID कार्ड, ऑप्शन सी भामाशाह कार्ड, ऑप्शन डी आधार कार्ड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आधार कार्ड। आधार कार्ड अनेक प्रकार की वित्तीय समावेशन योजना में उपयोग होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आधार कार्ड। एक बार जब भुगतान करते हैं और पासपोर्ट बुकिंग करते हैं तो उसके उपरांत आप प्रिंट करते हैं, ऑप्शन ए ARN, ऑप्शन बी PNR, ऑप्शन सी PSK, ऑप्शन डी SRS। इसका सही उत्तर ऑप्शन है ARN। एक बार जब भुगतान करते हैं और पासपोर्ट बुकिंग करते हैं तो हम ARN प्रिंट करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। PNR का पूरा नाम है, ऑप्शन ए पैसेंजर नेचर रिकॉर्ड, ऑप्शन बी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ऑप्शन सी परमानेंट नेम रिकॉर्ड और ऑप्शन डी प्राइमरी नेम रिकॉर्ड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, जिसे हम शॉर्ट में PNR के नाम से जानते हैं। IRCTC यात्रियों को सेवाएं देता है, ऑप्शन ए ऑनलाइन आरक्षण सेवाएं, ऑप्शन बी ऑफलाइन आरक्षण सेवाएं, ऑप्शन सी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑनलाइन आरक्षण सेवाएं। PSK का पूरा नाम है, ऑप्शन ए प्राइमरी सेवा केंद्र, ऑप्शन बी पॉल्यूशन सर्विस केंद्र, ऑप्शन सी पासपोर्ट सेवा केंद्र, ऑप्शन डी पासपोर्ट सुविधा केंद्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी
पासपोर्ट सेवा केंद्र, जिसे हम शॉर्ट में PSK के नाम से जानते हैं, भारतीय रेलवे द्वारा ऑथोराइज्ड वेबसाइट है। ऑप्शन ए IRCTC, ऑप्शन बी IRCNC, ऑप्शन सी IRCPC, ऑप्शन डी IRPTC। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए IRCTC। IRCTC भारतीय रेल द्वारा ऑथोराइज वेबसाइट है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए IRCTC। CPC का पूरा नाम है, ऑप्शन ए कंट्रोल पावर सेंटर, ऑप्शन बी कमांड प्रोसेसिंग सेंटर, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, ऑप्शन डी कमांड प्रोसेसिंग सेंटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। DSC का पूरा नाम है, ऑप्शन ए डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट, ऑप्शन बी डॉल्बे साइंड सर्टिफिकेट, ऑप्शन सी ड्राफ्ट साइंड सर्टिफिकेट, ऑप्शन डी डिफरेंस साइंड सर्टिफिकेट। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट, जिसे हम शॉर्ट में DSC के नाम से जानते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। भुगतान करने के पश्चात पासपोर्ट में अगला चरण है, ऑप्शन ए पासपोर्ट बन जाएगा, ऑप्शन बी चालान बना दिया जाएगा, ऑप्शन सी अपॉइंटमेंट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अपॉइंटमेंट। भुगतान करने के पश्चात पासपोर्ट में अगला चरण अपॉइंटमेंट है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अपॉइंटमेंट। RPO का पूरा नाम है, ऑप्शन ए रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, ऑप्शन बी राष्ट्रीय पासपोर्ट ऑफिस, ऑप्शन सी रीजनल प्रोग्राम ऑफिस, ऑप्शन डी रीजनल पॉल्यूशन ऑफिस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, जिसे हम शॉर्ट में RPO के नाम से जानते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। NVSP का पूरा नाम है, ऑप्शन ए नेचर वोटर सर्विस पोर्टल, ऑप्शन बी नेशनल वोटर सिस्टम पोर्टल, ऑप्शन सी नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, ऑप्शन डी नेशनल वोटर सर्विस प्रोग्राम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए वेबसाइट पर ज़रूरत होती है, ऑप्शन ए यूज़र आईडी, ऑप्शन बी पासवर्ड, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए हमें वेबसाइट पर यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। RSRTC का पूरा नाम है, ऑप्शन ए राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, ऑप्शन बी राजस्थान सड़क राज्य परिवहन निगम, ऑप्शन सी राजस्थान राज्य परिवहन निगम, ऑप्शन डी राजस्थान सड़क परिवहन निगम। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, जिसे हम शॉर्ट में RSRTC के नाम से जानते हैं। PNR नंबर की संख्या होते हैं, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 9। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 10। PNR नंबर की संख्या 10 होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल को कब लॉन्च किया गया था, ऑप्शन ए जनवरी 2015, ऑप्शन बी जनवरी 2014, ऑप्शन सी जनवरी 2013, ऑप्शन डी जनवरी 2012। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जनवरी 2015। राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल को जनवरी 2015 में लॉन्च किया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर EPIC का पूरा नाम है, ऑप्शन ए इकोनॉमी पासपोर्ट आइडेंटिटी कार्ड, ऑप्शन बी इलेक्शन पासपोर्ट आइडेंटिटी कार्ड, ऑप्शन सी इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ऑप्शन डी इकोनॉमी फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसे हम शॉर्ट में EPIC के नाम से जानते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। EVM का पूरा नाम है, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पोस्टर, ऑप्शन बी इकोनॉमिक वोटिंग मशीन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे हम शॉर्ट में EVM के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल का उपयोग कर देख सकते हैं, ऑप्शन ए मतदाता सूची में नाम को, ऑप्शन बी अपने बूथ SC और PC, ऑप्शन सी नए मतदाता पंजीकरण,
चुनावी रोल में प्रविष्टियों का सुधार। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल का उपयोग कर हम मतदाता सूची में नाम को देख सकते हैं, अपने बूथ एससी और पीसी को देख सकते हैं, नए मतदाता पंजीकरण को देख सकते हैं और चुनावी रोल में प्रविष्टियों का सुधार देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नया पैन कार्ड आवेदन भरने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म में से कौन सा आवश्यक है? ऑप्शन ए फॉर्म 49A, ऑप्शन बी फॉर्म 9, ऑप्शन सी फॉर्म 8 और ऑप्शन डी फॉर्म 16। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फॉर्म 49A। नया पैन कार्ड आवेदन भरने के लिए हमें फॉर्म 49A का उपयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉर्म 49A। निम्न में से कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है? ऑप्शन ए AAD, ऑप्शन बी NHAI, ऑप्शन सी UIDAI, ऑप्शन डी भारतीय खेल प्राधिकरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी UIDAI। UIDAI के द्वारा आधार कार्ड जारी किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी UIDAI। ऑनलाइन गैस बुकिंग का भुगतान किया जाता है? ऑप्शन ए नेट बैंकिंग, ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन सी डेबिट कार्ड या ऑप्शन डी ऊपर के सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऊपर के सभी। ऑनलाइन गैस बुकिंग का भुगतान हम नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से और डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊपर के सभी। सिलेंडर बुकिंग का लाभ लिया जा सकता है? ऑप्शन ए इंडेन गैस, ऑप्शन बी HP गैस या ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। हम इंडेन गैस से और HP गैस दोनों से सिलेंडर बुकिंग का लाभ ले सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PSK का अर्थ है? ऑप्शन ए सार्वजनिक सहायता केंद्र पब्लिक हेल्प सेंटर, ऑप्शन बी लोक सेवा केंद्र पब्लिक सर्विस सेंटर, ऑप्शन सी पासपोर्ट सेवा केंद्र पासपोर्ट सर्विस सेंटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ एबव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पासपोर्ट सेवा केंद्र अर्थात पासपोर्ट सर्विस सेंटर। तो पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PSK का अर्थ पासपोर्ट सेवा केंद्र होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय रेलवे IRCTC के संदर्भ में PNR क्या है? ऑप्शन ए पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ऑप्शन बी पब्लिक नेम रिजर्वेशन, ऑप्शन सी पर्सनल नेशनल रिकॉर्ड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। भारतीय रेलवे अर्थात IRCTC के संदर्भ में PNR का अर्थ पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। IRCTC SMS सेवा किस नंबर पर उपलब्ध है? ऑप्शन ए 170, ऑप्शन बी 169, ऑप्शन सी 149 और ऑप्शन डी 139। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 139। IRCTC SMS सेवा 139 पर उपलब्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 139। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में EPIC क्या है? ऑप्शन ए चुनाव कर्मियों का पहचान पत्र, ऑप्शन बी चुनाव फोटो पहचान पत्र, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चुनाव फोटो पहचान पत्र। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में EPIC चुनाव फोटो पहचान पत्र हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चुनाव फोटो पहचान पत्र। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहे ऐसा इंडिया के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।